कितने मार्क्स हो गए मत? यस, एक हाथ में बजान था। ओके, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वेदांत, बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। या, तो देवेंद्र संजना, देवेंद्र संजना, देवेंद्र संजना मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं वेदांत शर्मा। ये जमशेदपुर झारखंड से आए हुए हैं और ये सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ओके, कैसा लग रहा है अभी? सर मेरे को अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं। कितने कार्यक्रम देखे हैं आपने केबीसी के? सर मैं लाइक 3-4 साल से देख रहा हूँ अभी। जब कंटेस्टेंट यहाँ पर आता है पहली बार, वो क्या बोलता है आपने सब सुन लिया है? हाँ? वो वही बोलता है जो अभी आपने बोला है? सब जिसा पिटा हुआ तब लोग बोल देते हैं। सर अगर ये सच बात है तो बोलेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। ऑलराइट। अच्छा, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी है ना, इन्होंने कहा है कि आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया है इनके पास। हाँ? तो हम चाहते हैं कि सब लोग आपका रिपोर्ट कार्ड देखें। ओके। देखा जाए इनका रिपोर्ट कार्ड। भैया नाम इनका है वेदांत शर्मा, ऑल्सो नोन एज बूबू। सर एक सेकंड, आप वन ऑफ द फर्स्ट लोग हैं जिन्होंने पहली बार में ही मेरा नाम वेदांत पढ़ा है, नहीं तो सब लोग मेरे को वेदांता वेदांता बोल के बोलते हैं। तो वेदांत, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के हमें। थैंक यू सर। लेकिन ये आपका जो है ना ऑल्सो नोन एज बूबू, ये आपका पेट नेम है? यस सर, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बूबू। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त जो मेरे सोसाइटी में भी रहता था और मेरे स्कूल में भी रहता था, उसने मेरे स्कूल में नाम लीक कर दिया। अब सब लोग मेरे को चिढ़ाता रहता था क्लास 3 में, बू 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 ऐसे करके। ये बूबू नाम रखा किसने थे? माँ बाबू जी ने रखा था? मेरी दादी जी ने रखा। आपकी दादी ने रखा था? तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा ना? हाँ। आप बहुत प्यारे से होंगे, बहुत बूबू होंगे आप। ऑलराइट, लाइक से कंप्यूटर गेमिंग। अच्छा, सॉन्ग्स ऑफ माइकल जैक्सन एंड एनिमी। एनिमी सर, एनिमी 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 मे मे एनिमी। हाँ। अच्छा, ये नहीं भैया, एनिमे। अच्छा, ये एनिमे होता क्या है? ये जापानीज एनिमे एनिमेटेड कार्टून्स को बोला जाता है एनिमे। ओहो, जापानीज कार्टून, ये आप देखते हैं? हाँ। ऑलराइट, यू डिसलाइक स्वेटर एंड डार्क। अच्छा, स्वेटर आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें जो वूल होता है। अरे सर, वो गढ़ता है ना? हाँ, बहुत गढ़ता है। अरे भाई साहब, हमारी और आपकी आदतें कितनी मिलती जुलती, हमको भी बहुत गढ़ता है। नहीं नहीं, सच है कि नहीं? बहुत गढ़ता है यार। इसलिए मैं खुला बोला है मैं। हाँ, कोट पहना दो, हुडी पहना दो, ठीक है। अभी हम देखो हुडी पहन के हैं, इसके ऊपर स्वेटर डाल देंगे ना, बस गड़बड़। इसे मैं सिंपल ये टी-शर्ट पैंट बस हो गया। एकदम सही आप लग रहे हैं। ओके, अब अचीवमेंट्स हैं आपके। अरे बाप रे, रैंक 12th इन इंटरनेशनल जूनियर इंग्लिश ओलंपियाड, 34th इन इंटरनेशनल जूनियर मैथ्स ओलंपियाड, गोल्ड मेडल इन हिंदी एलिक्यूशन। भाई साहब, आप तो बहुत ही होनहार किस्म के वेदांत हैं, सॉरी बूबू हैं। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1000 पॉइंट्स। रेडी? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ले ओ माय गॉड। एनिमे श्रृंखला में नारुतो इनमें से क्या बनने के लिए प्रशिक्षण करता है? इन द एनिमे सीरीज विच ऑफ दीज डज नारुतो ट्रेन टू बिकम? ओके, ऑप्शन सुनिए, ए फिशरमैन, बी कुक, सी निंजा, या डी पायलट। सर प्लीज लॉक सी। मछुआरा, रसोईया, निंजा या विमान चालक? सर प्लीज लॉक सी, निंजा। सी पे ताला लगा जाए।
ये इसी तरह डांस। आ गया दूसरा प्रश्न, ये है 2000 पॉइंट्स का। रेडी? यस सर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय के चार दलों में से एक नहीं है? Which of these is not one of the four houses at the Hogwarts School or the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? A. Slytherin. B. Beauxbatons. C. Gryffindor. Or D. Ravenclaw. Sir, B. Beauxbatons. Lock किया जाए? B को lock किया जाए? Yes, sir. तो हिंदी में है नाग शक्ति, Beauxbatons, गरुड़ द्वार, चील घात। सर हिंदी का नहीं पता, मैं इंग्लिश में इंग्लिश समझ गया। तो प्लीज लॉक दी, लॉक लगा। बी पे ताला लगा जाए। एकदम सही उत्तर दिया आपने। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी में अ पीस ऑफ डैश के रिक्त स्थान में क्या आएगा जिसका मतलब कोई बहुत आसान चीज है? Fill in the blank to get an English phrase meaning something that is very easy. A piece of dash. Options for you. A. Iron. B. Bottle. C. Lemon. Or is it D. Cake? Sir, question hi very easy hai. Please lock option D. Cake. Kya baat hai? D pe taala lagaya jaye. Well played. Is the right answer. Ab aayega aathwa prashn aapke samne. मूल्य है इसका 80,000 पॉइंट्स। रेडी? आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का नाम चीज के लिए फारसी शब्द से आता है? Which of these food items traces its name to the Persian for cheese? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए बिरयानी, बी कबाब, सी पनीर या डी जलेबी। चीज। सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डी बाबू, डीजे बाबू शांत हो गए हैं। 40 सेकंड बचे हैं। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, बचाइए वेदांत को। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी पनीर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। क्या करेंगे सर? मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें सर? प्लीज लॉक सी पनीर। सी पनीर पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की उत्पत्ति कहां हुई थी? इन विच प्लेस डिड द मार्शल आर्ट्स फॉर्म टाइक्वांडो ओरिजिनेट? ऑप्शन सुनिए। ए चाइना, बी कोरिया, सी जापान या डी कैम्बोडिया। चीन, कोरिया, जापान या कंबोडिया। कहां से निकला ये टाइक्वांडो? कोरिया लग रहा है मुझे। क्या बोल रहे हैं? लाइफलाइन। लाइफलाइन करेंगे? यस। अच्छा, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सर। 50-50। 50-50 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ज्ञाननाथ जी, ABCD में से दो जो गलत विकल्प हैं, उनको हटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक बी कोरिया। बी पे ताला लगाया जाए। कोरिया और कंबोडिया बचे थे। बिल्कुल सही जवाब है आपको। ग्यारहवां प्रश्न 6,40,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2022 में यूक्रेनी बाल शरणार्थियों के लिए धन जुटाने के लिए
दिमित्री मुराटोव नामक एक रूसी व्यक्ति द्वारा क्या नीलाम किया गया था? What was auctioned by a Russian named Dmitry Muratov to raise money for Ukrainian child refugees in June 2022? Options are A. A diamond. B. Nobel Prize medal. C. Olympic gold medal. D. Lunar rock. Ek hira. नोबेल पुरस्कार पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक या चांद का पत्थर? मुझे ए या बी लग रहा है, डायमंड या नोबेल प्राइज मेडल। लूनर रॉक मुझे नहीं लग रहा है, ओलंपिक गोल्ड मेडल भी आई डोंट थिंक यूज होगा। सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000 पॉइंट्स। उत्तर ना मालूम हो तो अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है, वीडियो कॉल एक्सपर्ट। सर मैं लाइफलाइन यूज लेंगे। ओके, ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, चौथी और आखिरी लाइफलाइन है इनकी जो कि है वीडियो कॉल द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए और शरद विवेक सागर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। शरद जी प्रणाम करता हूँ आपको, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद शो पर आकर, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके सम्मुख होना एक आशीर्वाद होता है। अरे आशीर्वाद तो हम आपसे लेंगे। और शरद जी हमारे सामने वेदांत शर्मा जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, एक प्रश्न पर आकर के अटक गए हैं और लाइफ लाइन ली है तो इनकी मदद कीजिए। तो अगली आवाज जो है वो वेदांत की होगी, वो प्रश्न पढ़ेंगे और चार ऑप्शन बनेंगे। वेदांत रेडी? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। सर, व्हाट वाज ऑक्शन्ड बाय अ रशियन नेम्ड डिमित्री मुराटोव टू रेज मनी फॉर यूक्रेनियन चाइल्ड रेफ्यूजीज इन जून 2022? ए अ डायमंड, बी नोबेल प्राइज मेडल, सी ओलंपिक गोल्ड मेडल, डी लूनर रॉक। लूनर रॉक जून 2022। यस सर। वेदांत, डिमित्री मुराटोव नोबेल पीस पुरस्कार विजेता हैं और विश्व के इतिहास में गिने चुने एक दो लोगों में से हैं जिन्होंने अपना नोबेल प्राइज मेडल को ऑक्शन किया। Yes. वो 2021 के नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं मुझे ऐसा लगता है। Yes. और आज तक की जो हाईएस्ट राशि मिली है ऑक्शन करने के बाद वो उन्हें मिली $100 मिलियन से भी ज्यादा। Yes. और उसे उन्होंने यूक्रेनियन चाइल्ड रेफ्यूजीज के लिए लगाया। Yes. आप ऑप्शन बी नोबेल प्राइज मेडल सेलेक्ट करें। मैं भी नोबेल प्राइज मेडल को लॉक करवाना चाहूंगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है।